साथियों, थोड़ी देर पहले यहां पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही मिट्टी में भी जान डालने वाले साथियों को विद्युत चाक दिए गए हैं, सोलार चरखे और मधुमक्खी पालन से जुड़ी चीजें दी गई हैं। इन सभी सुविधाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, गांव में स्वरोजगार के अवसर बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारी सरकार ने चलाया है। इसके तहत देश की करोड़ों बहनों को भी भारत से गरीबी को दूर करने की एक महत्वपूर्ण ताकत बनाने का व्यापक अभियान चल रहा है। अब से केंद्र में आपने हमारी सरकार को अवसर दिया है, तब से सेल्फ हेल्प ग्रुप के आंदोलन को नई ऊर्जा देने की कोशिश हमने की है। आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बैंकों से ऋण लेना आसान हुआ है। यही कारण है कि 5 साल पहले ये हमारे पूरे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप को करीब 23,000 करोड़ रुपए का बैंक का लोन मिलता था। मेरे आने के बाद सिर्फ 4 साल में ये रकम डबल हो गई, 23,000 के सामने 44,000 करोड़ हो गई। अगर पूरे 5 वर्षों की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बैंक सहायता देश भर के सेल्फ हेल्प ग्रुप को दी जा चुकी है, 2 लाख करोड़ रुपए, जिससे आप सभी को आपके साधन जुटाने में मदद मिली है। साथियों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का यह अभियान देश के लगभग 625 जिले उसमें फैल चुका है और लगभग 6 करोड़ बहने, यानी एक प्रकार से 6 करोड़ परिवार, 50 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप को से जुड़े हैं, उसे चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले 5-6 सालों में 8 से 10 करोड़ गरीब परिवारों को इस अभियान से जोड़ा जाए। और मैं तो चाहूंगा, मुझे बराबर गुजरात का एक अनुभव याद है। मैं मुख्यमंत्री था, वहां पंचायतों के चुनाव हुए और नया नया था मैं मुख्यमंत्री, तो कोई ज्यादा वह समय मुझे नहीं हुआ था। तो वहां डाकोर करके एक तीर्थ क्षेत्र है, उसके नजदीक के गांव की बहनों ने मेरे से समय मांगा। तो मैंने कहा चलो भाई बहने, और मुझे मैसेज आया कि उस गांव में पंचायत के चुनाव में एक भी पुरुष जीता नहीं है, सबकी सब महिलाएं जीती। तो गांव वालों ने तय किया कि इस बार गांव का पंचायत का प्रधान महिला है तो कोई पुरुष चुनाव ही नहीं लड़ेगा, सब महिलाएं चुनाव लड़ेगी और महिलाएं जीतेगी। तो सारी महिलाएं मिलने आई, जो प्रधान बनी थी वो 5वीं कक्षा तक पढ़ी हुई थी, बाकी पढ़ी हुई भी नहीं थी, गांव की थी एकदम से। तो मैंने समय दिया, मैंने कहा आप मुझे मिलने आए, क्या काम था? बोले पहली बात तो ये एक ऐसी पंचायत है जिसमें सबकी सब महिलाएं हैं, चुन करके आई है। तो मैंने उनको पूछा कि आप चुन करके आए तो बताओ गांव का क्या करोगे आप? आप हैरान हो जाएंगे, शायद इस देश में कोई भी चुना हुआ राजनेता हो, बड़ा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उनको भी शायद ऐसा सवाल पूछोगे तो क्या जवाब देगा? रोड बनाएंगे, बस स्टेशन बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ऐसा ही जवाब देगा ना। इन महिलाओं ने मुझे ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा आप चुन करके आए हो तो क्या करोगे? आज भी वो बात मैं भूलता नहीं हूं जी, मेरे लिए वो प्रेरणा बन गई है। उसमें एक ही बहन थी जो 5वीं कक्षा तक पढ़ी थी, 11 या 13 बहनें थी। उन्होंने मुझे क्या कहा? बोले हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हमारे गांव में कोई गरीब न रहे,
कितनी बड़ी बात बता दी। अगर एक एक गांव के मुखिया तय कर ले कि हमारे गांव से गरीबी हटानी है, तो क्या इस देश में गरीबी बच पाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? उन महिलाओं का संकल्प मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा था। मैं ये स्वसहाय जूथों से कहना चाहता हूं, क्या आप तय कर सकते हैं कि 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हम हमारे स्वसहाय जूथ को इतना ताकतवर बनाएंगे, इतना ताकतवर बनाएंगे कि उससे जुड़ी हुई कोई भी बहन, उसका परिवार गरीबी से बाहर ला करके ही रहेंगे, हमारे ग्रुप में कोई गरीब नहीं रहेगा, ऐसा निर्णय कर सकते हैं? कर सकते हैं? गरीबी का खात्मा बुला सकते हैं? अपने बलबूते पर कर सकते हैं? आप करिए, मैं आपके साथ हूं। यहां यूपी में भी, जैसा कि योगी जी ने बताया भी है, कि 1 करोड़ से अधिक गरीबी परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसी व्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। एक कोशिश की जा रही है कि हर घर से कम एक बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े, विशेष तौर पर दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, जनजातीय आदिवासी समाज से हो, ऐसे परिवारों को इस प्रयास से जोड़ने का अभूतपूर्व प्रयास हम सब ने मिलकर के करना है। साथियों, इस अभियान को इतना व्यापक विस्तार देने की प्रेरणा इसकी सफलता से मिल रही है, जिसके मूल में आप सभी की सक्रियता और समर्पण है। आप कितना उत्कृष्ट काम कर रही हैं, उसका एक उदाहरण यही यूपी से मैं आपको देता हूं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सोलर लैंप देने की एक मुहिम हमने शुरू की है, और अभी मैंने देख करके आया, उन बहनों को मिलकर के भी आया, 40-45 हजार लैंप बनाकर के वो बेच चुकी हैं। इसमें यूपी के 29 जिलों में 34 लाख सोलर लैंप दिया जाना तय किया गया है। आप जैसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सोलर लैंप्स को बनाने, यानी अलग अलग हिस्सों को जोड़ने और फिर उनको बांटने की विशेष जिम्मेदारी दी गई है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि अभी तक 12 लाख सोलर लैंप बच्चों तक पहुंच गए हैं, और वो सिर्फ लैंप नहीं जा रहा है, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य की नई रोशनी जा रही है। एक काम जो शिक्षक करता है गांव में, आपने लैंप बनाकर भी, आप भले अनपढ़ होंगे, आपने उस बच्चे को पढ़ने की प्रेरणा दी है, ताकत दी है। अभी तक जो लैंप बांटे गए हैं उसी से ही लगभग 6 करोड़ रुपए की आमदनी सेल्फ हेल्प के ग्रुप को हो चुकी है। जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब कितना लाभ आपको और यूपी को होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। हमारी सरकार ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रही है। पिछले वर्ष सहकारिता के क्षेत्र में 31 लाख से ज्यादा महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है। कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी लगभग 9 लाख महिलाओं का कौशल विकास किया गया है।